नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। क्लास 12th एनसीईआरटी का जो न्यू पैटर्न है, हिंदी का न्यू पैटर्न जो आपका शुरू हो गया है, वो जो चैप्टर चेंज हो गए हैं, वो सब आपको चैप्टर में आपको शुरुआत से लेकर के एंड तक सारे चैप्टर एकदम बता दूंगा, एकदम चैप्टर क्लियर कर दूंगा। तो पूरा अच्छे से वीडियो देखते रहेगा। और एक भी बात और बता दूंगा मैं आपको, अगर आपने हिंदी की बुक अभी तक नहीं खरीदी तो जो मैं बुक बताने जा रहा हूँ वीडियो के एंड में, वो बुक अगर आप खरीद लेते तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, बिकॉज उस बुक में से आपका ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट फंसने के चांसेस रहते हैं। वो बुक मैं आपको वीडियो के एंड में बताता हूँ दोस्तों। और एक बात है, अगर आप बुक दुकान पे लेने जा रहे हो तो ये भी देख लेना हमारे चैप्टर उनसे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे चैप्टर उन बुक से मिल रहे होंगे जो आपको दुकानदार दे रहा होगा, तभी आप बुक को परचेज करोगे, अन्यथा बुक को मत खरीदना दोस्तों, बिकॉज वो बुक पिछले साल की भी हो सकती है, ठीक है। और बुक में देख लेना एनसीईआरटी का मार्क भी आसपास कहीं नीचे आगे पीछे लगा होगा, ठीक है। और हमारे चैप्टर्स भी मिला लेना जो अभी आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है शाश्वत और आप देख रहे हैं होम ट्रिक्स। चलिए शुरू करते हैं आज हमारा ये वीडियो। दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखा है बदला पाठ्यक्रम, ठीक है। हिंदी का बदल गया पाठ्यक्रम, एनसीईआरटी 2018-19 हिंदी अपडेटेड चैप्टर्स। जो नए चैप्टर्स हैं आपको सारे मैं इस वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों, मैं जो आपको कल एक वीडियो में आपने किसी में से कमेंट किया था कि इस बार एक पेपर होगा एक ही सब्जेक्ट का कि दो पेपर होंगे, तो दोस्तों जो आपका सरकारी गजट निकला है उसमें तो फिलहाल अभी दो पेपर होने की बात कही गई है। फिलहाल अभी मैं आपको एकदम क्लियरली नहीं बता सकता हूं कि एक पेपर होगा कि दो पेपर होगा। सरकारी गजट उत्तर प्रदेश का जो निकला है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूं, आप उस गजट को पढ़ लीजिए, आप खुद ही जान जाओगे कि एक पेपर होगा कि दो पेपर होगा। फिलहाल मैं आपको थोड़े दिन में क्लियर करके बता दूंगा कि एक पेपर होगा एक सब्जेक्ट का कि दो पेपर होंगे, जैसे होता था वैसे ही होगा, इसमें आप कोई चिंता मत करिए, ठीक है। तो न्यू चैप्टर्स आपको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एनसीईआरटी 2018-19 हिंदी अपडेटेड चैप्टर्स, ठीक है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, ठीक है। गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, ठीक है। ये यहाँ पे गद्य, सबसे पहले हिंदी फर्स्ट में दो पाठ्य होते हैं, एक होता है गद्य दूसरा होता है पद्य। सबसे पहले गद्य की बात करेंगे, क्या लिखा है, गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है, इधर लिखा है लेखक और इधर लिखा है पाठ का नाम, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला है आपका वासुदेव, सबसे पहला चैप्टर है आपका जिसको बोलते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप। ये दोनों आप मिला लीजिएगा, लेखक भी मिला लीजिएगा और पाठ का नाम भी मिला लीजिएगा अगर आप बुक खरीदने जा रहे हो तो। और अगर आपने बुक खरीद ली है तभी भी ये चैप्टर्स मिला लेना, अगर यही चैप्टर्स हैं तो आप बुक खरीदेगा, अन्यथा बुक को वापस करके बुक चेंज कर लीजिएगा, जिसमें ये चैप्टर्स मिलेंगे आपको तब आप वो बुक खरीद लेना, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल जी, इसके राइटर है, पाठ का नाम है आपका राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है। चैप्टर टू है आपका कन्हैया लाल मिश्र, इसका चैप्टर का नाम है आपका रॉबर्ट नर्सिंग होम, ठीक है। राइटर थर्ड है आपके, थर्ड राइटर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चैप्टर का नाम है आपका अशोक के फूल, ठीक है। फोर्थ है आपके प्रो जी सुंदर रेड्डी, ठीक है। पाठ का नाम है आपका यहाँ का भाषा और आधुनिकता, ठीक है। इसके राइटर है प्रोजी सुंदर रेड्डी, ठीक है। चैप्टर फाइव पे चलते हैं दोस्तों, इसके राइटर है हरिशंकर परसाई जी, इसके राइटर हैं और चैप्टर का नाम है आपका निंदारस, ठीक है। फिर सिक्स है आपका डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम जी हैं, इसका चैप्टर का नाम है आपका तेजस्वी मन के संपादित अंश। तो दोस्तों अब चलते हैं सेवेंथ चैप्टर पे, ये देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई थी, यहाँ मैंने दो चैप्टर छोड़ दिए थे, भूल गया था मैं, फिर यहाँ पे काट करके मैंने दो चैप्टर ऐड कर दिए, ठीक है। यहाँ पे सातवां चैप्टर आप देख लीजिए, इसके राइटर है जैनेन्द्र कुमार, चैप्टर का नाम है आपका भाग्य और पुरुषार्थ, ठीक है। फिर एट पे चलते हैं, यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, चैप्टर का नाम है आपका सिद्धांत और नीति के संपादित अंश, ठीक है दोस्तों, सिद्धांत और नीति के संपादित अंश। अब देखते हैं आपको काव्य में कितने चैप्टर्स हैं, ये देखिए यहाँ पे काव्य आता है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे काव्य शुरू हो गया, काव्य के इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ जैसे लिखे हैं काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु,
काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले राइटर है इसके भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाठ का नाम है आपका प्रेम माधुरी यमुना छवि, ठीक है। पाठ का नाम है आपका प्रेम माधुरी यमुना छवि दोस्तों, ठीक है। फिर सेकंड है आपके राइटर जगन्नाथ दास रत्नाकर। पाठ का नाम है आपका उद्धव प्रसंग गंगावतरण, ठीक है। उद्धव प्रसंग गंगावतरण, ये आपके दो हो गए। फिर थर्ड पे चलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। ये आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। पाठ का नाम है आपके पवन दूतिका, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। इसका पाठ का नाम है आपका कैकई का अनुताप गीत, ठीक है। फिफ्थ है आपका जयशंकर प्रसाद। इसका राइट पार्ट का नाम है आपका गीत श्रद्धा मनु, ठीक है। सिक्स्थ है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चैप्टर का नाम है आपका बादल राग संध्या सुंदरी, ठीक है। सेवेंथ है आपका सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। पाठ का नाम है आपका नौका विहार परिवर्तन बापू के प्रति, ठीक है। एर्थ चैप्टर है आपका महादेवी वर्मा, राइटर है आपके एर्थ महादेवी वर्मा। इसका पाठ का नाम है आपका गीत महादेवी वर्मा, ठीक है। फिर नाइन्थ पे चलते हैं रामधारी सिंह दिनकर। पाठ का नाम है आपका पुरुखा, ठीक है। उर्वशी अभिनव मनुष्य, ठीक है। टेंथ राइटर हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी। पाठ का नाम है आपका मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा अज्ञेय, ठीक है। फिर इलेवेंथ टॉपिक यहाँ पे आ गया आपका, इलेवेंथ चैप्टर के अंदर चार या पांच हैं आपके चैप्टर्स, ठीक है। इलेवेंथ इकाई समझ लो इसको आप, ठीक है। विविधा इकाई का नाम है आपकी, समझ लो इसको विविधा। विविधा के अंदर कम से कम चार या पांच चैप्टर सम्मिलित किए गए हैं इस बार एनसीईआरटी में। विविधा है आपका, इसमें सबसे पहला चैप्टर है आपका, ये देखिए यहाँ पे लिखा है नरेंद्र शर्मा जिसके राइटर हैं, और ये है चैप्टर आपका मधु की एक बूंद। विविधा चैप्टर का है सबसे पहले राइटर नरेंद्र शर्मा, इसके पार्ट का नाम है आपका मधु की एक बूंद, ठीक है दोस्तों। फिर आपका है सेकंड राइटर भवानी प्रसाद मिश्र, इसका चैप्टर का नाम है बूंद टपकती एक नभ से दोस्तों, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हो गए दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। इसके बाद है थर्ड, ठीक है। ये देखिए थर्ड पे आ गए हम यहाँ पे विविधा के इकाई के अंदर। ये देखिए यहाँ पे लिखा गजानंद माधव मुक्ति बोध, ये आपके राइटर का नाम है, ठीक है। गजानंद माधव मुक्ति बोध, चैप्टर का नाम है मुझे कदम कदम पर, ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। फिर अगले राइटर है आपकी गिरिजा कुमार माथुरा, ठीक है। ये आपके यहाँ पे लिखा है चैप्टर का नाम है आपका चित्रमय धरती, ठीक है। फिर इसका लास्ट है आपका धर्मवीर भारती, लास्ट टॉपिक है यहाँ पे आपका फिफ्थ है, दो उधर थे, पांच चैप्टर है आपके विविधा के अंदर।
पांच चैप्टर है आपकी विविधा के अंदर, तो पांचवें चैप्टर का राइटर है आपका धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती इसका पाठ का नाम है दोस्तों, सांझ के बादल, पाठ का नाम है दोस्तों सांझ के बादल। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला भीष्म साहनी, सबसे पहला है आपका यहाँ पे भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी के चैप्टर का नाम है खून का रिश्ता, ये है आपका चैप्टर नहीं हो गया, ये अलग चीज हो गई। यहाँ पे कथा साहित्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु है। ठीक है, कथा साहित्य कथा है आपकी, ये कथाएं हैं, कितनी कथाएं हैं, पांच कथाएं हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे ये पांच कथाएं हैं। ठीक है, कथाओं के राइटर है, सबसे पहले कथा का राइटर है भीष्म साहनी, कथा है आपकी खून का रिश्ता। ठीक है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। सेकंड है आपका, सेकंड के राइटर है आपका फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। इसका चैप्टर का नाम है आपका, कथा का नाम है आपका पंचलाइट। ठीक है, कथा का नाम है आपका पंचलाइट। ठीक है, थर्ड है आपका राइटर शिवानी जी, शिवानी। ठीक है, फिर यहाँ पे कथा का नाम है आपका लाटी, शिवानी है राइटर थर्ड और कथा का नाम है आपका लाटी। ठीक है, फिर फोर्थ है यहाँ पे आपके अमरकांत, अमरकांत कथा का है नाम आपका बहादुर, अमरकांत जी हैं यहाँ पे फोर्थ राइटर और कथा का नाम है बहादुर। ठीक है, फिफ्थ कथा पे चलते हैं, इसके राइटर है फिफ्थ कथा के शिव प्रसाद सिंह, शिव प्रसाद सिंह, फिफ्थ है आपके शिव प्रसाद सिंह। कथा का नाम है आपका कर्म नाशा की हार, कर्म नाशा की हार, कर्म नाशा की हार। ठीक है दोस्तों, फिर खंड खा संस्कृत पे चलते हैं, खंड खा संस्कृत में कौन से चैप्टर चेंज हो गए हैं, ये आपको सामने दिख रहा होगा खंड खा संस्कृत। ठीक है, अगर आपको हिंदी फर्स्ट में कुछ समझ में ना आया होगा तो वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, फिर फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं खंड खा संस्कृत के, सबसे पहला चैप्टर आपका भोजस्योदार्यम, भोजस्योदार्यम फर्स्ट चैप्टर है आपका भोजस्योदार्यम। ये चैप्टर आप मिला लीजिएगा अगर आप बुक लेने जा रहे हो, या फिर आप बुक ले लिए हो तो ये चैप्टर सारे मिला के देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, फिर सेकंड है आपका संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, पहला था आपका भोजस्योदार्यम, सेकंड है आपका संस्कृत भाषाया महत्वम। ठीक है, फिर थर्ड है आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, थर्ड है आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा, थर्ड है आपका आत्मज्ञा एवं सर्वज्ञा। ठीक है, फोर्थ है आपका, फोर्थ है आपका ऋतु वर्णम, फोर्थ है आपका ऋतु वर्णम, फोर्थ चैप्टर है आपका ऋतु वर्णम। ठीक है, फिफ्थ है आपका जातक कथा, फिफ्थ दोस्तों यहाँ पे आपका जातक कथा, फिफ्थ है आपका जातक कथा। फिर सिक्स पे चैप्टर पे चलते हैं, टोटल आपके 11 चैप्टर हैं आपके संस्कृत में। फिर आपका सिक्स चैप्टर है आपका नृपति दिलीपः, नृपति दिलीपः सिक्स चैप्टर है दोस्तों यहाँ पे आपका नृपति दिलीपः। ठीक है, सेवेंथ चैप्टर पे चलते हैं दोस्तों महर्षि दयानंद, महर्षि दयानंद सिक्स चैप्टर है आपके यहाँ पे दोस्तों, सेवेंथ सिक्स था आपके नृपति दिलीप, सेवेंथ है आपका महर्षि दयानंद। ठीक है, एर्थ है आपका सुभाषित रत्नानी, एर्थ चैप्टर है आपका सुभाषित रत्नानी। ठीक है दोस्तों, नाइन्थ है आपका महामना मालविया, महामना मालविया दोस्तों। ठीक है, नाइन्थ चैप्टर है आपका महामना मालविया। फिर थर्ड चैप्टर है आपका पंचशील सिद्धांता, पंचशील सिद्धांता, टेंथ चैप्टर है आपका पंचशील सिद्धांता। फिर इलेवेंथ चैप्टर है आपका दूत वाक्यम, इलेवेंथ चैप्टर है आपका दूत वाक्यम। सिक्स से दोबारा देख लेते हैं, सिक्स है आपका चैप्टर नृपति दिलीप, सेवेंथ है आपका महर्षि दयानंद, फिर एट्थ है आपका सुभाषित रत्नानी, नाइन्थ है आपका महामना मालविया, टेंथ है आपका पंचशील सिद्धांता और इलेवेंथ एंड लास्ट चैप्टर आपका दूत वाक्यम। ये थे संस्कृत के चैप्टर दोस्तों। ठीक है, संस्कृत के चैप्टर यहीं पे खत्म हो गए और हिंदी फर्स्ट और हिंदी सेकंड यानी कि संस्कृत में आपको सब बता दिया मैंने जो जो चैप्टर चेंज हुए थे दोस्तों। ठीक है, तो यही था कुछ बदला हुआ पाठ्यक्रम आपका, बहुत ही चैप्टर्स आपके नए आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके नए आ गए, बहुत ही अच्छे चैप्टर्स आपके नए आ गए हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपने बुक अभी तक नहीं ली है तो बुक आप कौन सी ले लो हिंदी फर्स्ट के लिए, तो वो बुक मैं आपको अभी बता दे रहा हूं यहाँ पे। अगर आपने बुक अभी तक नहीं ली है दोस्तों, बुक आप ले लो काका की, काका पब्लिकेशन की बुक ले लो। ठीक है, काका पब्लिकेशन की बुक ले लो, आप खरीद लो। ठीक है, अगर आपने बुक अभी तक नहीं ली है हिंदी के लिए, हिंदी के लिए काका पब्लिकेशन की बुक ले लो। ठीक है, काका पब्लिकेशन की हिंदी के लिए बुक ले लेना दोस्तों, अगर आपने अभी तक नहीं लिया होगा, ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे हिसाब से काका एकदम बेस्ट है, इसलिए मैंने आपको काका सजेस्ट कर दिया दोस्तों। और अगर आप
इसमें जो मैंने वो चीजें नहीं बताई हैं जो कि नॉर्मल होती हैं, जैसा कि मैंने आपको हिंदी सेकंड में, हिंदी संस्कृत खा खंड खंड खा में मैंने आपको जो अलंकार अलंकार है, जितनी तत्सम तद्भव ये सब चीजें हैं, ये सब तो आपकी वो वही से ही रहेंगे ही रहेंगे, उसमें कुछ एनसीआरटी नहीं लगा, उसमें एनसीआरटी लगने का कुछ मतलब नहीं होता। एनसीआरटी लगा तो है सब चीज पर, बट चैप्टर्स आपके चेंज हुए, और बाकी वो जो अलंकार अलंकार है हिंदी सेकंड में, और वो बाकी सब चीजें नाटक कथा और आपका पंचलाइट, ये सब जितनी चीजें होती वो तो मैंने आपको चेंज हुई बता दिया। और जो चेंज नहीं हुई है, जैसे आपका नाटक नहीं चेंज हुआ, नाटक वही वाला है, ठीक है, जो था नाटक पिछले साल वही वाला नाटक है। अगर आप नाटक वाटक देखना चाहते हो तो मैं आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन से जाकर के नाटक वाटक आप देख सकते हैं कि नाटक कौन से हैं, और बाकी चीजें जो हिंदी फर्स्ट हिंदी सेकंड में पूछी जाती हैं, अलंकार शब्द अलंकार तद्भव तत्सव ये सब चीजें, शब्द अलंकार ये जितने भी हैं आपके, ये सब आपको पीडीएफ के लिंक में मिल जाएंगे। पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, ठीक है, उत्तर प्रदेश का गजट है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के गजट पूरा हिंदी का ही है, वो गजट पूरा गजट आप पढ़ लीजिए, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। और बाकी ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर से जो चेंज होगा तो वो सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो दोस्तों, बिकॉज मैं ये जैसे ही आपका पैटर्न खत्म होता है उसी की डायरेक्ट बाद मैं आपकी तैयारी शुरू कर दूंगा यूपी बोर्ड 2018-19 के लिए दोस्तों। तो अभी तक आपने वीडियो लाइक और शेयर नहीं किया तो भैया लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, लाल वाले बटन से दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज मैं आपके लिए इसी तरह के और वीडियोस लेकर आने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को जाते जाते लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाल वाले बटन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।